नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अपने घर पर रहकर अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और असाइनिंग स्कूल का एग्जाम खत्म हो चुका है, रिजल्ट भी आ चुका है, ई काउंसलिंग का जो फर्स्ट राउंड है वो भी आपका खत्म हो चुका है। कुछ बच्चे वेट कर रहे हैं, तो एक सलाह मेरी मानो तो जो दूसरे एग्जाम की जो तैयारियां हैं, चाहे वो RAMC का एग्जाम हो, सैनिक स्कूल का हो, RMS का हो, उनकी प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दीजिए। जी हाँ, आज की वीडियो का मकसद क्या है, आज 14 मार्च है, 14 मार्च को बड़े ऐतिहासिक दिन है। पहला आज पाई डे है। क्या है आज पाई डे? मैथमेटिक्स में पाई डे, पाई क्या है, इरेशनल नंबर है और इसकी जो इंपॉर्टेंस है बहुत ही खास है, बहुत ही ज्यादा है। इसके बिना सर्कल का कोई अस्तित्व नहीं है, जो वृत्त होता है आपका उसका कोई भी अस्तित्व नहीं है, जो आपकी गुलाई की चीज है वो पैदा ही नहीं हो सकती, किसके बिना, पाई के बिना। दूसरा आज जो है वो अल्बर्ट आइंस्टाइन का बर्थडे भी है। जी हाँ बिल्कुल, आज जो है वो अल्बर्ट आइंस्टाइन का बर्थडे भी है। जी हाँ सही सुना, तीसरी बार बोल रहा हूँ, आज अल्बर्ट आइंस्टाइन का बर्थडे भी है। तो पाई डे के पीछे मतलब क्यों मनाया जाता है ये? पहला तथ्य यह है कि पाई की जो वैल्यू है वो 22/7 है। और खास बात क्या है, जो 22/7 है जब आप उसको डिवाइड करोगे तो आपके पास एक रैशनल नंबर आएगा। रैशनल नंबर क्यों आएगा, क्योंकि 3.14 समथिंग 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 जो आता है, आई होप आपको पता होगा कि उसके पीछे क्या आता है, तो कमेंट में जरूर करके बताइए 3.14 के बाद क्या आता है। वो जो नंबर आता है पॉइंट के बाद, वो जो 5 डिजिट आते हैं वो रिपीटिंग है, और हमें मालूम है मैथमेटिक्स में कि जो रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं वो हमेशा रैशनल नंबर होते हैं। बट पाई की जो ओरिजिनल वैल्यू है वो अभी तक कोई भी कंप्यूटर, कोई भी लैपटॉप, कोई भी सुपर कंप्यूटर पूरी की पूरी वैल्यू नहीं काउंट कर पाया है, इसलिए ये एक इरेशनल नंबर है। क्योंकि 3.14159 तो हमको पता है, आगे का भी काफी मिलियन ट्रिलियंस तक पता है, बट ये जो वैल्यू है ये कभी खत्म नहीं होने वाली है। तो 3.14 मतलब 14, 3 मतलब मार्च। तो बेसिकली यह तथ्य है कि 14 मार्च को यह मनाया जाता है। आगे 159 होता है, 3.14159, तो जो 159 है उसका मतलब है 1:59 दोपहर के। जी हाँ, मतलब 14 मार्च को 1:59 पे पाई डे मनाया जाना चाहिए। एक तो यह तथ्य है। दूसरा तथ्य क्या है, दूसरा तथ्य यह है कि सैन फ्रांसिस्को में, सैन फ्रांसिस्को का जो साइंस म्यूजियम है वहां पर एक बार क्या हुआ कि फिजिस्ट अपना जो है काम कर रहे थे अपनी टीम के साथ, उन्होंने कैलेंडर की तरफ देखा, कैलेंडर में डेट थी 14 मार्च, उनका मन हुआ भाई पाई खाने का। अंग्रेज एक चीज के बड़े मैं कहूँगा दावेदार होते हैं, खास उनकी जो मिठाई होती है पाई, हमारे यहाँ थोड़ा कम प्रचलित है बट अंग्रेजों की ये बहुत ही खास मिठाई है पाई, चोको पाई। तो उन्होंने वो ऑर्डर करा, अपने कुलीग्स के लिए भी ऑर्डर करा, सबने खाया, एंजॉय किया। तो उन्होंने ऐसे कह दिया कि भैया आज के दिन जो क्या होगा वो पाई डे मनाया जाएगा। और ये जो प्रचलन है वो 1988 से चलता जा रहा है कि पाई डे मनाया जाएगा, इससे पहले भी लोग मनाते हैं बट ये जो सैन फ्रांसिस्को वाला है वो 1988 से है कि इन्होंने कह दिया तो ठीक है पाई डे मनाया जाएगा। थैंक यू सो मच, आई होप आपको ये जो जानकारी है वो पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत।